खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी मैं एग्जीबिशन में गया हूँ पेंटिंग में और लगता है कि मैं आधा पेंटर बन गया हूँ। वैसे भी आर्टिस्ट भी एक पेंटर होता है, चाहे आप स्पोर्ट्स से हैं या आप सिनेमा से हैं या किसी फील्ड से हैं। तो मिश्रा साहब की खास बात क्या है कि इनकी पेंटिंग है ना यूनिक है, क्योंकि पेंटिंग के अंदर इन्होंने कुछ पेंटिंग बना रखी, जैसे किसी में बुक हैं, किसी में फेस हैं, किसी में इन्होंने दरवाज़ा बनाया है, किसी में हाथ बनाए हैं, मतलब इन्होंने पूरा वो दिखाया है, किसी में पेड़ उगाया है। तो ये देखो क्रिएटिवली तो मेरी समझ से बाहर है, अब मैं झूठ बोल दूँ कि ये सब है, बाकी यह है कि देख के लग रहा है कि मिश्रा साहब काफ़ी मेहनत करते हैं, सोचते हैं इसके बारे में तब पेंटिंग बनाते हैं, क्योंकि पेंटिंग बनाना बड़ा मुश्किल काम है। तो हमारे जैसे होते थे ना, वो ड्राइंग का एक पेपर आता था जिसमें एक ईंट के ऊपर हम वो संतरा बनाते थे या एक गिलास बनाते थे, उसमें से आधे बच्चे संतरा उठाए खा जाते, फिर वो झगड़ा रहता, वो कम नंबर आते थे, हमारे जैसे बच्चे खाली ईंट बनाते थे। तो मिश्रा साहब से पूछें कि ये पेंटिंग में इनका मतलब क्या महत्व है, कुछ तो समझाया इन्होंने कि किसी का फेस ये है, किसी का ये है, बाकी मुझे नहीं पता। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आजकल ये प्रेजेंट सिचुएशन ये है, क्योंकि आजकल क्या हो रखा है कि वर्तमान में सब कुर्सी के लिए फाइट कर रहे हैं, नेता से लेके अभिनेता से लेके ऑफिस से लेके आम इंसान से लेके सब कुर्सी के लिए फाइट कर रहे हैं कि भैया मेरा वो आ जाए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आदमी सेल्फलेस हो जाता है ना, जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर दुनिया को फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि कुर्सी के लिए भी अगर आप झगड़ा कर रहे हो, जब आपको फ़र्क पड़ना कम हो जाएगा ना, तो फिर सबको फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत यूनिक है, मैं तो सोच रहा था कि स्टैचू है यहाँ पे, अगर ये भी मिश्रा साहब ने बनाई है ना, तो मैं रेसलिंग मैच करूँगा या कभी शादी करूँगा तो मिश्रा साहब बोले जाऊँगा कि भैया सेट बना दो, आप सेट डिज़ाइन कर दो, ऐसा ज़बरदस्त है।
ये बड़ा बहुत ही सुखद है मेरे लिए संग्राम जी है, जो आज तक देखा है या फिर पढ़ा है आज के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है और उनके साथ आज एग्जीबिशन गैलरी में शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही सुखद घटना है। और जहाँ तक बात एग्जीबिशन की है तो जैसे शीर्षक ही है विमर्श, तो ये मेरा सौभाग्य है कि इस तरह का माध्यम मेरे पास है, इतना सशक्त माध्यम मेरे पास है जिसमें आकार भी है और रंग भी है, जिसके ज़रिए मैं अपनी बातें डायरेक्ट लोगों तक पहुंचा सकता हूं, मैं संवाद स्थापित कर सकता हूं एक व्यक्ति के साथ। तो इसीलिए मैंने हर पेंटिंग को अपना एक संवाद के रूप में यूज़ किया, इस्तेमाल किया, एक बात कहने की कोशिश करी है और मुझे उम्मीद है कि ये बात उन तक शायद उसी रूप में पहुँची है जिस रूप में मैं कह रहा हूँ, कहीं से भी विकृत होकर नहीं पहुँच रही होगी ये मैं उम्मीद करता हूँ। और बहुत ही आसान मंद हुआ संग्राम जी का जी, आपने इतना ज़बरदस्त सुनाया है कि क्या बताएं। देखिए समाज में रह रहा हूँ और एक जागरूक सामाजिक आदमी हूँ, तो समाज के प्रति एक सोच रखना, एक सकारात्मक सोच रखना और समाज को एक समाधान या एक दिशा देना मेरा कर्तव्य है। और अगर मैं सारी बात रचनात्मक हूँ, अगर मैं रचनात्मक हूँ तो फिर मेरा दायित्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। आपकी इंटरव्यू ज़बरदस्त है, शुक्रिया। जी क्या तो सारी इंडिया के सब जी, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हूँ तो मैं आखिर इंडियन ही, बिकॉज ब्लड तो हाफ इंडियन है, ऐसी बात नहीं है। नहीं पिताजी यहाँ से नहीं है, मम्मा यहाँ से है। कोई नहीं, अब हमारा होने वाला शोर हो सकता है, मे बी नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप लोगों ने कह दिया है ऑलरेडी, तो कि इनके हर पेंटिंग में एक मैसेज छुपा हुआ है और वो बहुत ही पॉजिटिव है, जितने भी पेंटिंग में जितने भी हमने देखे हैं सारी बहुत हमें पसंद आई, उसमें से काफ़ी एक तो ऐसे पेंटिंग है जो हमें बहुत ही पसंद है और काफ़ी मीनिंगफुल मैसेज है उसके अंदर। और एक हमने देखा अपना बचपना भी, कि जब बचपन में हम होते थे किताबों के साथ कैसे खेलना क्या नहीं खेलना, मतलब एक अलग तरीके से रहा। और आजकल तो बहुत डिजिटल हो गया है हर चीज़, तो वो किताबें तो बस रह गई हैं नाम के लिए बुक्स के अंदर, तो पर फिर भी वो अच्छी लगती है जब आप उनको खोलते हैं। और एक पेंटिंग हमने देखी थी कि जिसमें ये है कि किताबों में से वर्ड्स जो निकलते हैं, उन किताबों में जो वर्ड्स होते हैं उसमें एक पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, अब वो डिपेंड होता है आपकी सोच पे और आपके ऊपर कि उससे कौन सा वर्ड्स आपको लेना है लाइफ में, अच्छा या बुरा। तो उसमें से वो छन के जो आ रहा है छन्नी में से और जो बाउल में कलेक्ट हो रहे हैं, तो वो बहुत पॉजिटिव वर्ड्स हैं जो मैंने या आपने किसने भी कलेक्ट करने हैं। और हर किसी को पॉजिटिव चीज़ चाहिए, नेगेटिव किसी को नहीं चाहिए लाइफ में। नमस्कार, मैं श्रुति पनवर हूँ और सुमित सर की एग्जीबिशन में यहाँ पर मैं आई हूँ। एंड हमेशा से बहुत ही नया, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही उम्दा काम करते आए हैं सुमित सर। और मेरा संपर्क उनके साथ हुआ था क्योंकि मैंने एक बहुत ही कमाल की शॉर्ट फिल्म उनके साथ की थी, अमृता प्रीतम जो बहुत ही कमाल की पोइटस हैं, लेखिका थी उनके बारे में। एंड वहाँ से हमारा ताल्लुक, हमारा रिश्ता बना। और दिल्ली भी मैं उनके साथ गई हूँ, एक उनकी एग्जीबिशन वहाँ हुई थी किताब करके। और अब यहाँ आए हैं विमर्श के लिए, तो वाकई में बहुत सारी तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी विचार विमर्श कर उन्होंने बनाया है। एंड आपको अलग अलग अपनी परिभाषा से, आप इनको नज़रिए से, अपने नज़रिए से देख सकते हैं। एंड सबसे मुझे लगता है खूबी ये है सुमित सर की कि उनके अंदर एक सरलता है और जो सादगी है जो उनके अंदर है, उनकी पर्सनालिटी में है, वो सब हमें यहाँ दिखता है। एंड कुछ पेंटिंग्स तो बहुत कमाल की जब यहाँ पर है, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पेंटिंग अगर आप यहाँ देखेंगे, सो दिस कुर्सी बनी हुई है। और वो वाकई में जो आज का हाल है हिंदुस्तान में उसको एकदम सिंबलाइज करती है, उसको दिखाती है। सो माय हार्टेस्ट कंग्रेचुलेशंस टू सर, बहुत सारी बधाइयाँ आपको सर और आपकी टीम को। एंड मैं चाहूँगी कि काफ़ी लोग आकर यहाँ नेहरू सेंटर में आकर सर के विमर्श को अच्छे से देखें।